हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 60 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस, जो कि होने वाले हैं 15th ऑफ नवंबर से लेकर 30th ऑफ नवंबर तक के, जो कि आपकी आने वाले एग्जामिनेशन आरयूविनिल जेईएन एनएचपीसी यूपीपीसीएलसी जेई इन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम लोग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें होने वाले अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर को भी डिस्कस करेंगे, ओब्यूचरीज, बुक्स एन ऑथर, स्पोर्ट्स, एम्बेसडर बेस्ड और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सेशन आपकी होने वाली एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ये सेशन आपको कंप्लीट स्टार्ट टू एंड देखना होगा। इसके अलावा आप लोगों को एक रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आपकी ये जो तीनों एग्जामिनेशन है ये आने वाले डेज में होने वाली है, इसलिए आप लोगों को सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर मंथ, इन तीनों मंथ के जो करंट अफेयर्स मैंने अभी तक प्रोवाइड किए उसके वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखोगे तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। अगर आप ये तीनों मंथ का ईबुक चाहते हो, सितंबर, अक्टूबर एंड आज का भी नवंबर, 30th ऑफ नवंबर, ये तीनों मंथ का एक कंबाइन ईबुक जो है वो बनाया है एंड वो आपको कोचिफाई के जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको वो ईबुक मिल जाएगा, जिसमें 300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है विथ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोगों को पता होगा वो ईबुक मैंने कंबाइन बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो कि आरयूविनिल जेईएन के एग्जामिनेशन अभी कुछ डेज में है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये तीन महीने का करंट अफेयर का ईबुक एक एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ का है। अगर आप वो 10 रुपीज़ का ईबुक परचेस करते हो तो आप लोगों का ये तीन महीने का जो भी करंट अफेयर मैंने आप लोगों को प्रिपेयर करवाया 300 प्लस क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट आप रिविजन कर सकते हो उस ईबुक से। सो अगर आपको वो चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोगों को एप्लीकेशन से आप उस ईबुक को ले सकते हो, ठीक है। सो इसके अलावा एक और चीज़, अगर आप इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके वो सारी चीज़ें चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी रिकमेंड किया था, अगर आप वो चीज़ का ईबुक चाहते हो जो कि 150 प्लस पेजेस की ईबुक है, आप वो चाहते हो तो वो भी ईबुक जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन में अवेलेबल है। उसमें अगर आप फ्लैट 40 का कोड लगाते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड वो ईबुक भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सो आप लोगों को करंट अफेयर का तीन महीने का 300 प्लस क्वेश्चंस का ईबुक जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। एप्लीकेशन को अगर नहीं इंस्टॉल किया होगा तो इंस्टॉल कीजिए एंड ईबुक के सेक्शन में आप लोगों को ये ईबुक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF। सो IMF की पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी है उनका नाम है ऑप्शन ए हर्षवंती बिष्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, रजनीश कुमार अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ हीरो मोटर कॉर्प, मतलब रजनीश कुमार जो है वो हीरो मोटर कॉर्प के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द शेज रिपब्लिक, आंसर हो जाएगा पीटर फिला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेज रिपब्लिक के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं पीटर फिला। इसी के साथ साथ शेख सबाह अल खलीद अल अहमद अल सबाह ये जो है ये 8th न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के, ठीक है। एंड सूडान के भी न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, मतलब ये री अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला हैमडॉक, ठीक है। सो ये तीनों लोगों को आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि 15th ऑफ नवंबर से लेकर 30th ऑफ नवंबर के बीच में इन तीनों का अपॉइंटमेंट हुआ है, इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको इसका कैपिटल एंड करेंसी भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। शेज रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो है प्राग, करेंसी है शेज कोरोना, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी एंड करेंसी है कुवैती दिनार, सूडान की कैपिटल है खार्टूम एंड सूडान की जो करेंसी है वो है सूडानीस पाउंड, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द टॉलेस्ट स्पायर रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड इन मणिपुर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हाइट भी पूछी जा सकती है या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पर बिल्ड किया गया। सो आंसर हो जाएगा उस टाइम पे मणिपुर, बट अभी हाइट पूछी गई है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 141 मीटर्स की इसकी हाइट है इस ब्रिज की, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अ थ्री डे शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 वॉज इनॉग्रेटेड बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कोनराड के संगमा एंड संतोषी सुजुकी एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया। मतलब कि जापान से इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर है संतोषी सुजुकी, एंड जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इस फेस्टिवल को जो है इनॉग्रेट किया है। इसके अलावा एक और फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा में जिसका नाम है बोईटी बंदना। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि उड़ीसा में जो है वो बोईटा बंदना ये सेलिब्रेट किया गया कार्तिक पूर्णिमा पर। वेरियस वाटर बॉडीज में इस फेस्टिवल को जो है वो मनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांड हैज़ एमर्ज एज द मोस्ट पर्पजफुल ब्रांड इन इंडिया अक्रॉस टेक्नोलॉजी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कांतर ब्रांड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये चार्ट जो है मैंने आपको गिवन दिया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मोस्ट पर्पजफुल ब्रांड इंडिया का टेक्नोलॉजी कैटेगरी में कौन सा है अकॉर्डिंग टू कांतर ब्रांड्स। ठीक है, सो वो है अमेजॉन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तीन कैटेगरी बनाई गई है, इंडियाज मोस्ट पर्पजफुल इन टेक्नोलॉजी ब्रांड, इंडियाज मोस्ट पर्पजफुल नॉन एफएमसीजी। एफएमसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, सो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा, वो भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का मोस्ट पावर पर्पजफुल नॉन एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है, तो उसका भी रैंकिंग गिवन है, एंड इंडिया का मोस्ट पर्पजफुल एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है। ठीक है, एक है नॉन एफएमसीजी और एक है एफएमसीजी, ये समझ आया। सो ये तीन कैटेगरीज में जो है ये कांतर ब्रांड्स ने जो है इसका जो है रैंकिंग किया हुआ है। ठीक है, ब्रांड्स का, सो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी ब्रांड्स अमेज़ॉन फर्स्ट पे है, जोमैटो सेकंड पे है, यूट्यूब थर्ड पे है, गूगल एंड स्विगी फोर्थ पे, एंड फ्लिपकार्ट फिफ्थ पे। नॉन एफएमसीजी के लिए एशियन पेंट्स फर्स्ट पे है, सैमसंग एंड जियो सेकंड पे है, एमआरएफ थर्ड पे है, टाटा हाउसिंग फोर्थ पे है, एयरटेल फिफ्थ पे है, एंड एफएमसीजी ब्रांड्स के हिसाब से टाटा टी फर्स्ट पे है, सर्फ एक्सेल सेकेंड पे है, ताजमहल थर्ड पे है, पैराशूट एंड मैगी फोर्थ पे है, ब्रिटानिया फिफ्थ पे। अगर टॉप की बात की जाए तो अमेजॉन, एशियन पेंट्स एंड टाटा टी ये तीनों कैटेगरीज में टॉप करते हैं। ठीक है, सो ये कंप्लीट चार्ट आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली जो टॉप है वो एंड उनके कैटेगरी के साथ में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी कैटेगरी पूछा गया था, इसलिए वहाँ पर टॉप करते हैं अमेजॉन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विच हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर बाय स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद। हमें उस फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम बताना है जो कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धवन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड अ बुक टाइटल बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स बिजॉय विथ सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। इस बुक को जो रिलीज़ किया है वो मनोज मुकुंद नाराम ने, जो कि 27 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने इस बुक को जो है रिलीज़ किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज़ हुई है वो सारी यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले है, बुक का नाम है कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। इस बुक के जो ऑथर है वो है फॉर्मर आर्मी ऑफिसर मरूफ रजा। ठीक है, ये इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट है स्मृति जुबिन ईरानी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। ये हमारी यूनियन मिनिस्टर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, इन्होंने अपनी बुक को रिलीज़ किया है, पहला नॉवेल है इनका जिसका नाम है लाल सलाम अ नॉवेल। ठीक है, सो ये इनकी बुक है स्मृति जुबिन ईरानी की। नेक्स्ट जो है वो है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। इस बुक के जो ऑथर है वो है सैयद अकबरुद्दीन, इस बुक के ऑथर है। ठीक है, ये सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है सैयद अकबरुद्दीन, इनकी बुक है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन।
नेक्स्ट जो बुक है वो है द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। इस बुक के ऑथर है देबाशीष मुखर्जी। नेक्स्ट जो बुक है वो है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ये अगेन एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि इंडियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड नोबल लॉरेट है अभिजीत बैनर्जी। उनकी ये बुक है नई कुक बुक जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ठीक है, इन्हें नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है अभिजीत बैनर्जी को। सो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज द बुक श्रीमद माइनम इन हैदराबाद। इट हैज़ बिन रिटन बाय शशि किरणाचार्य। ठीक है, तो श्रीमद माइनम इस बुक को रिलीज़ किया है वेंकैया नायडू ने, जिस बुक को लिखा गया है शशि किरणाचार्य द्वारा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2021 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर इस बुक दिल्ली अ सोलोलोक्वी। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 2021 का जेसीबी प्राइज जो है लिटरेचर प्राइज होता है, ये इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल, जो कि दिल्ली अ सोलोलोक्वी इस बुक को दिया गया, तो इस बुक के ऑथर कौन है जिन्हें ये प्राइज दिया गया है? वो है एम मुकुंदन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो इस बुक के ऑथर है जिन्हें जेसीबी प्राइज जो है वो दिया गया है। ये जो नॉवल है ये पब्लिश किया गया था वेस्टलैंड बुक्स द्वारा, तो आपको पब्लिश किसके द्वारा किया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो वो है वेस्टलैंड बुक्स। ओरिजिनली ये जो बुक था ये मलयालम में था, लेकिन इसे फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय फातिमा ईवी एंड नंदकुमार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपको और कौन से जो की पॉइंट्स में वो ध्यान में रखना है, वो है नॉवेलिस्ट ब्रेल थंगा हैज रिसीव 12th मणिपुरी स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2020 फॉर हिज बुक ई अमादी अदुगेगी इथत आई एंड द देन आइलैंड। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। सो जो नॉवेलिस्ट है ब्रेल थंगा, उन्हें भी 12th मणिपुरी स्टेट अवार्ड दिया गया फॉर लिटरेचर। देन उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, द 22nd एडिशन ऑफ द नेशनल बुक अवार्ड वॉज ऑर्गेनाइज बाई नेशनल बुक फाउंडेशन। जेसन मॉट वॉन द 2021 नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन फॉर हिज नॉवल हेल ऑफ अ बुक। सो 22nd एडिशन ऑफ नेशनल बुक अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा, जिसमें जेसन मॉट जो है उन्होंने नेशनल बुक अवार्ड जो है उनकी नॉवल हेल ऑफ अ बुक के लिए हासिल किया है। ठीक है, सो इसके अलावा ये दो अवार्ड जो है ब्रेल थंगा और जेसन मॉट ने जीते हैं, जो आपको ध्यान में रखना होगा। एक 12th मणिपुरी स्टेट अवार्ड था फॉर लिटरेचर एंड एक था नेशनल बुक अवार्ड। एंड इसके अलावा हमने क्या देखा, एक जेसीबी अवार्ड जो है, जेसीबी प्राइज जो है वो किसे दिया गया। ठीक है, सो ये तीनों प्राइज जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिनिंग डेटाबेस कॉल्ड डैश। आंसर हो जाएगा स्वदेश। NBRC क्या होता है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो कि आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिनिंग डेटाबेस, जिसका नाम है स्वदेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DBT नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वो गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 20th मीटिंग ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज। सो HCO का 20th मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुआ, वो नूर सुल्तान में हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान की कैपिटल है। सो HCO का 20th मीटिंग जो है वो नूर सुल्तान में हुआ। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म हैज बिन चूजन एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाई कॉलिंस डिक्शनरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NFT। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंगिबल टोकन। सो NFT जो है ये वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है बाय कॉलिंस डिक्शनरी। अगर आपको पूछा गया कि ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो वो है वैक्स, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कवरअप करवाया हुआ है। आपको ये दोनों ध्यान में रखना होगा, कॉलिंस भी एंड ऑक्सफर्ड भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड इट इज वैक्स एंड अकॉर्डिंग टू कॉलिंस आंसर हो जाएगा NFT। NFT मतलब क्या होता है, नॉन फंगिबल टोकन। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, उसका एब्रीवेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू क्रिएट साइबर तहसील्स इन द स्टेट, आफ्टर दैट इट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ साइबर तहसील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अप्रूव किया है साइबर तहसील को स्टेट में लाने के लिए, एंड उसके बाद ये पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जहाँ पर साइबर तहसील होने वाला है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी थ्रू द उड़ान स्कीम विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो सिविल एविएशन के साथ कौन सी कंपनी पार्टनरशिप करके
जो है जो कि प्रमोट करेगा रीजनल एयर कनेक्टिविटी थ्रू द उड़ान स्कीम. सो वो है मेक माई ट्रिप, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मेक माई ट्रिप ने जो है वो पार्टनरशिप किया है जिसके तहत वो जो है रीजनल एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करेगा थ्रू उड़ान स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनांता तात्या पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एन आसामीज डैश. सो सनांता तात्या जो है वो एक आसामीज क्या है ये हमें बताना है. वो आसामीज पोएट है जिनका रिसेंटली जो है निधन हुआ है. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये एक पोएट है, आसामीज पोएट. इसके अलावा जो भी ओबिचरीज है जो इन टाइम में हुई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. रिनाउंड ऑथर मन्नू भंडारी हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज 90. शी वॉज बॉर्न इन भानपुरा सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इन 1931 एंड ग्रो अप इन राजस्थान अजमेर. सो मन्नू भंडारी जो है जिनका निधन हुआ है वो 90 ईयर्स की थी. वो मध्य प्रदेश की सिटी में वो बॉर्न हुई एंड देन वो जो ग्रो अप हुई वो अजमेर में हुई. सो ये एक ऑथर थी जो कि है मन्नू भंडारी. ठीक है, उसके अलावा है पंजाबी फोक सिंगर गुरमीत बावा हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, अ प्रोलॉन्ग इलनेस, शी वॉज 77. सो गुरमीत बावा ये एक फोक सिंगर थी पंजाबी. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा. एंड लास्ट है चुंडू हॉन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया. सो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये चुंडू वॉन, इनका रिसेंटली निधन हुआ है. ठीक है, सो ये सारा आपको ध्यान में रखना होगा. जो भी ओबिचरीज थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आर्मी चीफ जनरल MM नारावने हैज़ ऑब्जर्व मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति हेल्ड इन डैश. सो MM नारावने जो है इन्होंने दक्षिण शक्ति इस एक्सरसाइज को जो है वो कहाँ पर हेल्ड किया है. आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज जेवर एयरपोर्ट, इज द डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. सो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का कितवा एयरपोर्ट होने जा रहा है इंटरनेशनल. आंसर हो जाएगा फिफ्थ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर इन लाइन विथ हिज गवर्नमेंट विजन टू बूस्ट कनेक्टिविटी एंड क्रिएट अ फ्यूचर रेडी एविएशन सेक्टर विद नोएडा एयरपोर्ट सेट टू बी कंप्लीटेड बाय 2024. उत्तर प्रदेश इज पॉइज्ड टू बिकम द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव अ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट. So, उत्तर प्रदेश इकलौता स्टेट है इंडिया का जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है. और ये जो नोएडा एयरपोर्ट जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो 2024 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट हमारे इंडिया में ऐसा इकलौता स्टेट होगा कि जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव टू फर्दर एक्सटेंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल विच पीरियड. सो यूनियन कैबिनेट ने जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने टाइम तक. ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च 2022 तक इस योजना को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है. 4 महीने के लिए इस योजना को जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है. ये दिसंबर 2021 तक ही ऑपरेशनल होने वाली थी बट अब ये मार्च 2022 तक जो है ये योजना चलेगी. ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द 13th एडिशन ऑफ असेम एशिया यूरोप मीटिंग समिट इन 2021. सो 13वां एडिशन एशिया यूरोप मीटिंग का ये जो समिट है ये 2021 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगा, वो है कंबोडिया. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो कंबोडिया ने जो है 13th एडिशन एशिया यूरोप मीटिंग का जो है वो 25th और 26th नवंबर को जो है ऑर्गेनाइज किया था कंबोडिया में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ चेंज द बेस ईयर ऑफ द वेज रेट इंडेक्स, व्हाट इज़ अ न्यू बेस ईयर. सो गवर्नमेंट ने जो है वेज रेट इंडेक्स जो है उसका बेस ईयर चेंज कर दिया है और अभी जो नया बेस ईयर रखा गया है वो क्या है ये पूछा गया है. आंसर हो जाएगा 2016, दैट इज ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. जो पहले वेज रेट का इंडेक्स हुआ करता था वो 1963-65 था बट अभी जो नया रख दिया गया है वो 2016 है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37th एडिशन ऑफ कॉरपैट इज बिंग हेल्ड इन द इंडियन ओशन रीजन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. सो 37th एडिशन हुआ है कॉरपैट का इंडियन ओशन रीजन में बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, मतलब इंडिया के साथ कौन सी कंट्री इस एक्सरसाइज में जो है वो पार्टिसिपेट करती है, तो वो है इंडोनेशिया. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 37th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इज बिंग हेल्ड इन इंडियन ओशन रीजन फ्रॉम 23rd to 24th ऑफ नवंबर. कॉरपैट इज हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. इट वॉज कंडक्टेड फर्स्ट टाइम इन 2002. सो सबसे पहले 2002 में कंडक्ट की गई थी एंड इस साल जो है ये इंडियन ओशन रीजन में इसे हेल्ड किया गया है. ये साल में 2 बार की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट
अभी इसके अलावा कौन सी एक्सरसाइज हुई है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी, इंपॉर्टेंट। द 5-day लॉन्ग 15th एडिशन ऑफ मालदीव्स इंडिया एंड श्रीलंका बाइनियल ट्राइनियल एक्सरसाइज दोस्ती वॉज कंडक्टेड इन मालदीव्स फ्रॉम 20 to 24th ऑफ नवंबर एज अ पार्ट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी फॉर्मेशन फॉर पीसफुल एंड स्टेबल इंडियन ओशन रीजन। सो 5 दिन का ये 15वां एडिशन का दोस्ती जो एक्सरसाइज है जो कि होता है मालदीव्स इंडिया श्रीलंका के बीच में, जो कि 20 to 24th ऑफ नवंबर के बीच में हुआ ये इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप INS करमुख एज इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट इज पार्टिसिपेटिंग इन द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड ट्रायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज सिटमैक्स 21 फ्रॉम 15 to 16 नवंबर इन अंडमान सी। सो इंडियन सिंगापुर एंड थाईलैंड की जो ये ट्रायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है सिटमैक्स, जो कि 15 और 16 नवंबर को अंडमान सी में इसे कंडक्ट किया गया, सो इसमें जो इंडिया का नेवल शिप है करमुख ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। इसका कौन सा एडिशन था? 3rd एडिशन था, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की, वो आपको एक्स्ट्रा जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ वो सारे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिल्क डे इज कमोमरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन November 26 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। सो हर साल 26 नवंबर को जो है वो नेशनल मिल्क डे जो है वो मनाया जाता है। सो उस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑन 26th ऑफ नवंबर एंड उसी दिन नेशनल मिल्क डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। द डे इज बीइंग ऑब्जर्व सिंस 2014 टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीसी कुरियन। सो ये जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है डॉक्टर वर्गीसी कुरियन को, और 2014 से जो है इस डे को जो है एज अ नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेज है नवंबर के जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। 16th ऑफ नवंबर को जो मनाया जाता है वो है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 17th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, नेशनल एपिलेप्सी डे, वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज डे और वर्ल्ड COPD डे। 19th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड इंटरनेशनल मेन्स डे। 20th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे एंड यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। 21st ऑफ नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे एंड वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। 25th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 26th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 29th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडेटरी विद पैलेस्टीनियन पीपल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो कि नवंबर मंथ में मनाया जाते हैं। इसके जो भी थीम्स होंगे वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम एंड शिखरा स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने तेजस्विनी एंड हौसला ये एक स्कीम और शिखर एंड शिखरा ये स्कीम जो है वो कौन से स्टेट और यूटी में उन्होंने लॉन्च किए। सो है जम्मू कश्मीर में उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन लॉन्च 2 schemes नेम तेजस्विनी and Hosla scheme for of Jammu Kashmir Bank for girls under 18 to 35 years of age to start their business, ठीक है, and Shikhar and Shikhara scheme of Punjab National Bank for development of tourism in Jammu and Kashmir, ठीक है। so ये 2 schemes को जो है वो निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है, किस लिए किया है मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया, ठीक है। so option A, option B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। next क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन दैट वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय इंडियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत गौरव। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन है जिसे रिसेंटली जो है इंडियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा इसे अनाउंस किया गया है। सो वो है भारत गौरव, which will be run in theme-based circuit by both private sector and the IRCTC,
ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएस स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च डार्ट मिशन टू इंटेंशनली क्रैश अ स्पेसक्राफ्ट इनटू एस्टेरॉइड्स, हियर डार्ट स्टैंड्स फॉर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हाई है। सो यहाँ पे डार्ट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, यूएस स्पेस एजेंसी ने जो डार्ट मिशन है उसे लॉन्च किया है एंड इसका फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटीज पातालपानी रेलवे स्टेशन हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर ट्राइबल आइकॉन तांत्या भील। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर का जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम अभी रिनेम कर दिया गया है और अभी रख दिया गया है तांत्या मामा, ये उसका रिनेम कर दिया गया है और ये किसके ऊपर रख दिया गया है, तांत्या भील के ऊपर उनका ये नाम रख दिया गया है। सो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंस किया है इंदौर का पातालपानी रेलवे स्टेशन आफ्टर ट्राइबल आइकॉन तांत्या भील हु वॉज वेल नोन एज अ इंडियन रॉबिन हुड बाई द ट्राइबल्स। सो अब जो नाम रीनेम हो चुका है वो है तांत्या मामा। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रानी गाइडिनलिउ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने रिसेंटली जो है रानी गाइडिनलिउ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है जिसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के लिए फाउंडेशन किया है, सो वो कहाँ पर है, मणिपुर में है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो म्यूजियम है ना, रानी गाइडिनलिउ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ये मणिपुर का है जिसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे क्या किया है, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए शुरुआत करवाई है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाचित डे सेलिब्रेटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसाम। आसाम में जो है वो लाचित डे मनाया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव अवार्ड एट एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 एट क्वालालंपुर इन मलेशिया। सो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मलेशिया के क्वालालंपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार किसे मिला है। सो आंसर हो जाएगा दूरदर्शन को भी मिला है और ऑल इंडिया रेडियो को भी मिला है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। द अवार्ड वर गिवन बाय द यूनेस्को इन कोलैबोरेशन विद एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अंडर द टुगेदर फॉर पीस इनिशिएटिव। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ एडिशन ऑफ एशिया यूथ पैरा गेम्स विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन 2025। फिफ्थ एडिशन ऑफ एशिया यूथ पैरा गेम्स जो है, इनमें से कौन सी कंट्री जो है जो कि होस्ट करेगा इन 2025 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताशकेंट। उज़्बेकिस्तान जो है वो फिफ्थ एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स को होस्ट करेगा 2025 में। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। 2021 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो किसने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु ने जीता है, कर्नाटका को हरा कर वो जीत चुका है इस साल का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बैग द बेस्ट मराइन स्टेट अवार्ड फॉर 2021 एंड 22 ऑन द वर्ल्ड फिशरीज डे 2021। सो कौन से स्टेट ने जो है बेस्ट मराइन स्टेट अवार्ड जीता है ऑन वर्ल्ड फिशरीज डे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो है बेस्ट मराइन स्टेट अवार्ड जो है इस साल का जीता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर अनिता देसाई हैज बिन कॉन्फर्ड विद द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021 टू रिकॉग्नाइज हर लॉन्ग लिटरेरी करियर विच स्पैन्स ओवर 50 ईयर्स। सो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर है जिसका नाम है अनिता देसाई, जिन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इस साल का, जिन्होंने ओवर 50 साल जो है अपने इस लिटरेरी करियर पे जो है वो लगाए हैं। ठीक है, अनिता देसाई। नेक्स्ट एक और ध्यान में रखना है कि इंडियन पोएट अदिल जुसवाला कॉन्फर्ड विद द टाटा लिटरेचर लाइफ पोएट लॉरेट अवार्ड फॉर 2021। सो टाटा लिटरेचर लाइफ अवार्ड जो है, अगेन पोएट लॉरेट अवार्ड जो है वो आदिल जुसवाला को दिया गया है। ठीक है, ये एक इंडियन पोएट है आदिल जुसवाला, जिन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ का पोएट लॉरेट अवार्ड दिया गया है। एंड टाटा लिटरेचर लाइफ का लाइफ टाइम अचीव अवार्ड किसे दिया है, अनिता देसाई को दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री हैज प्लान टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी. सो कौन सी कंट्री जो है जो कि प्लान कर रहा है एस्टैब्लिश करेगा वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन सिटी. सो वो है एल सेल्वाडोर. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. El Salvador President Nayib Bukele has announced that the country is planning to build the world's first Bitcoin city. Next question है हमारा, which country has set the Guinness World Record for the world largest orchestra? Answer हो जाएगा option C, Venezuela. Venezuela country ने जो है Guinness World Record set किया है world का largest orchestra play करके. उस orchestra में 8,573 musicians ने 5 minutes से ज़्यादा time music को play करके ये record जो है वो set किया है. The record was set by the country's National System of Youth and Children Orchestras known as El Sistema. Next question है, which organization has been awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2021 for education initiative? इनमें से कौन सी organization है जिसे award दिया गया है Indira Gandhi Peace Prize 2021 का for education initiative? वो है प्राथम. ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है 2021 का. ठीक है, प्राथम इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेजेस चिल्ड्रन इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड में, उनके लिए ये एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करता है. ठीक है, प्राथम ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु हैज क्लिंच्ड द वुमेन सिंगल टाइटल एट 2021 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट. आंसर हो जाएगा एन से यंग. ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. उस प्लेयर का नाम बताना था हमें जिसने वुमेन सिंगल टाइटल में 2021 के इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो हासिल किया है, वो है आन से योंग. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड इन मेंस कैटेगरी केंटो मोमोटो जो है जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेंस कैटेगरी में जो है ये टूर्नामेंट जीता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज रिसीव्ड द स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड फॉर 2021 फॉर बींग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द 5th कॉन्जिकटिव ईयर. सो इनमें से कौन सी सिटी है जिसने स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड 2021 का जीता है एज अ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 5th कॉन्जिकटिव ईयर. मतलब कि स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड 2021 का एज अ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 5वीं बार इस सिटी ने जीता है, वो है इंदौर. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. पिछले 5 साल से जो है स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड जो है वो इंदौर को ही दिया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन एंड एंटी सैटेलाइट मिसाइल नूडोल. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रशिया. रशिया ये कंट्री है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन एंड एंटी सैटेलाइट मिसाइल नूडोल को. ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन हैज बीन रैंक एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार बाजार पुलिस स्टेशन जो कि दिल्ली में है. ये बेस्ट पुलिस स्टेशन है इंडिया का 2021 का बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो है वो घोषित किया है कि जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है इंडिया का 2021 का वो है सदर बाजार पुलिस स्टेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द 2021 F1 कतार ग्रैंड पिक्स. आंसर हो जाएगा लेविस हैमिल्टन. सो F1 कतार ग्रैंड पिक्स जो जीता है वो लेविस हैमिल्टन ने जीता है और इनकी कार मर्सिडीज है एंड ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं. और एक और इन्होंने जो रिसेंटली ग्रैंड पिक्स जीता है वो है FN साओ पोलो ग्रैंड पिक्स जिसे अर्लियर ब्राजीलियन ग्रैंड पिक्स भी बोला जाता था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ परमानेंट सीईओ ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के परमानेंट सीईओ कौन अपॉइंट हुए, उनका नाम है ऑप्शन बी जॉफ एलार्डिस. जॉफ एलार्डिस जो है वो परमानेंट सीईओ बन चुके हैं ICC के. जॉफ एलार्डिस इससे पहले उनको इंटरिम सीईओ बनाया था, मोर देन एट मंथ के लिए वो इंटरिम सीईओ थे. अब उन्हें परमानेंट सीईओ बना दिया है ICC का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का. ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड द डैश विल बी फैसिलिटेट विद द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी जो है इन दोनों को जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया एट द 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हुआ फ्रॉम 20th of November टू 28th of November. ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प MSME. सिडबी जो है वो किसके साथ पार्टनरशिप करके
जो है हेल्प करेगा एमएसएमईज को? आंसर है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो है पार्टनरशिप करेगा गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत जो है वो एमएसएमईज को हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द 2021 ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स रिलीज बाय ट्रेस इंटरनेशनल। सो इंडिया का रैंक हमें बताना है ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में, जो कि रिलीज करता है ट्रेस इंटरनेशनल। आंसर है 82nd रैंक है इंडिया का, एंड यहाँ पर टॉप करता है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ब्लैक टॉपिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड ओमिंगला पास इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसीव करेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड ओमिंगला पास इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सो आंसर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने वाला है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो ओमिंगला पास है, ये जो बनाया गया है, ये 19,024 फीट एंड 0.3 इंचेस, और अगर मीटर्स में बात की जाए तो 5,798.251 मीटर हाई है ओमिंगला पास, जो कि लद्दाख में बनाया गया है। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने वाला है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइफेड आदि महोत्सव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैरी कॉम। ट्राइफेड का जो फुल फॉर्म होता है वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैरी कॉम। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैरी कॉम, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज महेंद्रनाथ पांडे इनॉग्रेटेड उत्तर प्रदेश फर्स्ट एयर पोल्यूशन कंट्रोल टॉवर हैज़ बीन सेट अप इन विच सिटी। यूनियन मिनिस्टर हैवी इंडस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर है महेंद्रनाथ पांडे जिन्होंने इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टॉवर, जो कि सेटअप किया गया है नोएडा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी लॉन्च अ वेलफेयर स्कीम नेम्ड राशन आपके ग्राम स्कीम एंड सिकल सेल मिशन ऑफ विच स्टेट। सो मोदी जी ने लॉन्च किया है वेलफेयर स्कीम जिसका नाम है राशन आपके ग्राम एंड सिकल सेल मिशन, कौन से स्टेट में? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम इन विच सिटी। पीयूष गोयल जो है उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम, जो कि कहाँ पर लॉन्च किया उन्होंने? ऑप्शन सी थंजावुर तमिलनाडु में। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 2031 आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है 2031 का आईसीसी मेंस 50 ओवर का वर्ल्ड कप। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज लॉन्च वॉइस ट्रेडिंग पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेटीएम मनी। पेटीएम मनी जो है वो वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च कर रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इसे पावर किया गया है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विलेज ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोचमपल्ली तेलंगाना। सो पोचमपल्ली तेलंगाना का जो ये विलेज है उसे अवार्ड दिया गया है एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी। आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए, जिनका नाम है सौरव गांगुली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट भी सौरव गांगुली है, और उन्होंने कन्फर्म किया है कि वीवीएस लक्ष्मण को वो नेक्स्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड बनाएंगे। ठीक है, एंड जो सौरव गांगुली है जो आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बने हैं, उन्होंने किसे रिप्लेस किया है? अनिल कुंबले को रिप्लेस किया है, जो कि 2012 से लेकर अभी तक के आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज टू बिकम द कोविड वैक्सीन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कोविड वैक्सीन
के जो एम्बेसडर बने हैं वो है सलमान खान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोविड वैक्सीन के महाराष्ट्र के एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेडिकेटेड फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर टू बी नोन एज लीनैक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इन डैश। आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो मिनिस्टर है वो है पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है, इन्होंने कंट्री का पहला डेडिकेटेड फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर जिसको बोला जा रहा है लीनैक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर, और ये इन्होंने कहाँ पर इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है, गुरुग्राम में। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन विच स्टेट। मोदी जी ने जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो है इनॉग्रेट किया है, तो वो कहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एट करवाल खेरी इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन नवंबर 16। इट विल कनेक्ट लखनऊ विद गाजीपुर। द 341 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट अ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 22,500 करोड़ रुपीज में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव द पक्की टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने अप्रूव किया है पक्के टाइगर रिजर्व को। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी और जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इंडिया का पहला ग्रास कंजर्वेटरी और जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, वो उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी और जर्मप्लाज्म कंजर्वेटरी सेंटर स्प्रेड over an area of 2 acres was inaugurated at Ranikhet in Almora district of Uttarakhand. Next question is, which film will be screened at the Indian Panorama segment in 52nd International Film Festival Goa? Answer ho jayega Kuzangal. 52nd International Film Festival Goa mein hua, ye maine aap logon ko bataya, to wahan par jo hai इंडिया की पैनोरमा सेगमेंट में कौन सी फिल्म को जो है प्रदर्शित किया गया, सो वो है कुजांगल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुजांगल फिल्म को जो है वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हेल्ड किया गया। ठीक है, और एक और आपको बताऊंगा कि कुजांगल ये इट इज़ द ऑल्सो इंडियन ऑफिशियल एंट्री फॉर एकेडमी अवार्ड फॉर ऑस्कर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3-day राष्ट्र रक्षा संपन्न पर्व एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झांसी। झांसी में जो है 3 दिन का राष्ट्र रक्षा संपन्न पर्व जो है इसे सेलिब्रेट किया गया अंडर द आज़ादी के अमृत महोत्सव। ठीक है, सो झांसी में इसे सेलिब्रेट किया गया, झांसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 82nd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस इन विच फॉलोइंग सिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिमला। शिमला में जो है नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 82nd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन शिमला इन 1921 एंड ये जो इस साल हुआ वो 7th टाइम था। ठीक है, सो मोदी जी ने जो है वो 82nd ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है शिमला में इस बार जो है इसे इनॉग्रेट किया है। ठीक है, सो इस बार जो ये शिमला में हुआ ये 7th टाइम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द 17th एनुअल किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज अवार्ड 2021। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विहान अग्रवाल एंड नाव अग्रवाल। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 17th एनुअल कीज राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जो है वो किसे दिया गया है, तो विहान अग्रवाल एंड नाव अग्रवाल को दिया गया है। विहान अग्रवाल जो है वो 17 ईयर के हैं, दिल्ली बेस्ड है। नाव अग्रवाल भी 14 ईयर्स के हैं। ये दोनों को जो है वो चिल्ड्रन पीस प्राइज अवार्ड दिया गया है फॉर टैकलिंग पॉल्यूशन इन देयर होम सिटी बाई रिसाइकलिंग हाउस होल्ड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ विच एडिशन ऑफ साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका इन नवंबर 2021। इंडिया ने रिसेंटली जो है वो फ्लैग्ड ऑफ किया है
कितवा एडिशन ऑफ साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका? आंसर हो जाएगा 41st एडिशन जो है, 41st एडिशन ऑफ साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है इंडिया ने. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? सो कौन सी कंपनी जो कि MOU साइन कर रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके तहत वो कोलैबोरेट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. ठीक है, सो NTPC जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन करेगा टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज टॉप द IQ एयर एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन सिटी रैंकिंग 2021? सो कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है IQ एयर क्वालिटी में? वो है ऑप्शन ए दिल्ली. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, ये जो है ये टॉप 10 सिटीज़ में आती है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है. ठीक है, दिल्ली का जो आया हुआ है स्कोर वो है 556, कोलकाता का जो है वो 177 एंड मुंबई का जो है वो 169th है. दिल्ली ने टॉप किया है एंड कोलकाता जो आता है वो आता है 4th रैंक पे एंड मुंबई आता है 6th पोजिशन पे. ठीक है, सबसे वर्स्ट जो है वो है लाहौर पाकिस्तान एंड चेंगडू इन चाइना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अप्रूव्ड केसरी हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई? सो इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने अप्रूव किया है कि वो स्टेट बटरफ्लाई होगी केसरी हिंद? वो है अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. स्टेट कैबिनेट अरुणाचल प्रदेश हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अप्रूव केसरी हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई. केसरी हिंद इज साइंटिफिकली नोन एज टीनोपाल्पस एम्पीरियालिस. इन लिटरल टर्म्स इट मीन्स एम्परर ऑफ द इंडिया. सो इसका साइंटिफिक नेम भी आप लोगों के साथ मैंने बताया है कि टीनोपाल्पस एम्पीरियलिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है केसरी हिंद, जिसे स्टेट बटरफ्लाई अरुणाचल प्रदेश ने जो है वो अप्रूव किया है. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेशनल ऑब्जर्व फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑडिट दिवस ऑन डैश. नेशन ने ऑब्जर्व किया है पहला एडिशन ऑडिट दिवस जो है वो मनाया गया है 16th ऑफ नवंबर को. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑडिट दिवस जो है वो 16th ऑफ नवंबर को मनाया जाएगा. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. आपको कुछ भी डाउट होगा और अपकमिंग सेशन आप जो भी चाहते हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. उसके अकॉर्डिंगली आपको सेशंस मिलने वाले हैं. अगर आपने इसके पहले के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस के सेशन नहीं देखे होंगे, मैंने सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर ये तीनों मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड किए. अगर आपने कोई भी नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ जो भी इन प्रीवियस 3 मंथ्स के जो करंट अफेयर है वो कवर अप करवाए हुए हैं. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इफ अगर आपने नहीं देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सारे देख सकते हो. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.